राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत तेज। केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। केसी वेणुगोपाल ने लगाया आरोप, दिल्ली की यात्रा के दौरान सुरक्षा में ढील, कार्यकर्ताओं ने बनाया घेरा। चिट्ठी में जताई गई चिंता, हरियाणा स्टेट इंटेलिजेंस के लोगों पर यात्रा में कंटेनर में अवैध तरीके से आने को लेकर शिकायत। कांग्रेस का आरोप, यात्रा में शामिल होने वाले शख्सियतों को किया जा रहा है परेशान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा, बीजेपी राक्षसों वाली हरकतें ना करे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, कांग्रेस मुख्यालय में हुआ समारोह। स्थापना दिवस समारोह में खड़गे ने फहराया झंडा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिली है संजीवनी। सुबह सुबह पहुंच गए राहुल गांधी, फिर से हाफ टी शर्ट में आए नजर। सोनिया गांधी समारोह में आई, पास की कुर्सी पर कुछ देर बैठे राहुल गांधी। सर्दियों के बीच राहुल गांधी की टी शर्ट सुर्खियों में है, लगातार दिख रहे हैं इसी पहनावे में। एक सवाल में राहुल गांधी ने कहा, टी शर्ट ही चल रही है, जब नहीं काम करेगी तब देखेंगे। जयपुर में भी मनाया गया कांग्रेस स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फहराया कांग्रेस का झंडा। राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से पहले विपक्षी नेताओं के बयान से दिखा बिखराव, अखिलेश ने कहा, मुझे कांग्रेस की ओर से नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। कांग्रेस के मुताबिक अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का दिया गया है निमंत्रण। आज तक को सूत्रों के हवाले से मिली खबर, यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे जयंत चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में करेगी एंटर लोनी बॉर्डर से एंट्री के बाद 3 दिन में राहुल गांधी यूपी में ही करेंगे पदयात्रा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता ठुकराया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता वेणुगोपाल और खुद महबूबा ने दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती के राहुल की पद यात्रा से जुड़ने पर बीजेपी ने कसा तंज, बोले शहनवाज हुसैन, ये बीजेपी का असर है कि भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा लहराएंगी महबूबा मुफ्ती। यात्रा को लेकर सीताराम येचुरी का बयान, हमें नहीं मिला है निमंत्रण। सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी राम है, मैंने कहा कि वो राम के रास्ते पर है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने किया साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन, कहा आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गलत नहीं है। जम्मू के सिद्रा इलाके में आतंकी मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। जम्मू के बाहरी इलाके में हुई मुठभेड़, ट्रक में आए थे आतंकी, दोनों तरफ से हुई जबरदस्त फायरिंग की वजह से ट्रक में लग गई आग। आग को बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की गाड़ियां, ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार। जम्मू से श्रीनगर जा रहा था ट्रक, 7 AK-47 और 3 पिस्टल बरामद। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्चस्तरीय बैठक, आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर भी होगी बात। शाम 4 बजे होगी बैठक सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ एमएचए के अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा, निशाने पर स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक। इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी किया अलर्ट, लश्कर के 2 आतंकियों की साजिश की जिम्मेदारी। कुपवाड़ा और बारामूला के रास्ते में आईडी प्लांट करने की साजिश, सरकारी दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर। संत कबीर नगर में डीआईजी के सामने खुली जवान की पोल, चौकी इंचार्ज बार बार कोशिश करने के बावजूद नहीं खोल पाए गन। गन के अंदर ऊपर नली से गोली डालकर फायर करने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। डीआईजी ने कहा, निरीक्षण किया था, हर रविवार को रिहर्सल करने के दिए हैं निर्देश। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया, नली के रास्ते गोली डालने की योगी राज की बड़ी उपलब्धि, यूपी पुलिस को किया है बर्बाद। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, मैं इसे देखूंगा। बिहार नगर निकाय के 2रे चरण की वोटिंग आज, पटना सहित 68 शहरों में मतदान। बेतिया में सुबह से लगी है कतार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया मतदान। नालंदा में नगर निकाय चुनाव के दौरान हिंसा, 2 गुटों के बीच झड़प।
यूपी के औरैया में बेखौफ दबंग, दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट। औरैया में बैंक की पुरानी तिजोरी ले जा रही पिकअप गाड़ी में लगी आग, गाड़ी में बैठे तीन लोगों ने भागकर बचाई जान। बिहार में निकाय चुनाव हुई, शराब का गोरखधंधा, हाजीपुर में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा कंटेनर। महाराष्ट्र से मंगवाई गई थी शराब की बड़ी खेप, 70 कार्टन शराब जब्त, तीन हिरासत में। सूरत में हीरा कारोबार पड़ रहा है कोरोना का असर, चीन और दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना केसेस से हीरा कारोबारी परेशान। कोरोना संकट को लेकर तेलंगाना सरकार हुई अलर्ट, अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और आपात सेवाओं पर दिया जा रहा है जोर। सबरीमला में जुटे मंदकला यात्रा के भक्त, 41 दिनों की यात्रा का हुआ अंत। बैतूल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, पत्तल पर खाई चने की भाजी और मिट्टी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेसी नेता, सरकार आने पर नियमित नियुक्ति का भरोसा। इंदौर के होटल में शाकाहारी भोजन खाते वक्त एक ग्राहक के प्लेट में मिली हड्डी, होटल मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज। यूपी के मऊ में बेहद दर्दनाक हादसा, घर में लगी आग से एक महिला समेत चार बच्चों की जलकर मौत। भागलपुर में JDU विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने पुलिस को दी चुनौती, कहा मैं पुलिस से डरता नहीं। जमीन विवाद में चली गोली में आशीष है आरोपी। पन्ना में शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर फंदे से छुड़ाया, वापस जंगल में छोड़ा। BHU में लगी फूलों की प्रदर्शनी, पर्यावरण सुरक्षा का दिया गया संदेश। यूपी के